साइकिल हो या बाइक, कुत्ते साले कुत्ते ही होते हैं, कम अकल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और भाई ये देखो, ये है आज का मौसम। और दो दिन बाद लगातार बारिश होने के बाद अब जाके कहीं धूप निकली। इतना अच्छा मौसम हुआ है भाई, दो दिन भी धूप नहीं निकलती ना, तो धूप की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में और बरसात के मौसम में अगर लगातार धूप नहीं निकलती ना भाई, ना तो कपड़े सूखते हैं, प्लस जगह जगह पानी भरा होता है तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। मतलब धूप की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। और आज धूप है ना, तो देख कितना अच्छा लग रहा है। और यही धूप अगर लगातार दो दिन निकल जाए तो भाई बुरा हाल भी कर देती है, फिर इससे ही नफरत होने लगती है। तो वो हर चीज़ अपने आप में ज़रूरी है, बारिश, सर्दी और धूप, हर चीज़। और आज धूप निकल हुई है तो भाई कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे, प्लस मम्मी ने अचार डाला हुआ है, कच्चे आम काटे हुए हैं तो वो भी सूख जाएंगे, मम्मी भी खुश हो रखी है। फिलहाल बारिश के मौसम में ना अजीब सी स्मेल भी हो जाती है घर में, थोड़ा सा सीलन सीलन टाइप की। तो धूप आएगी ना तो वो स्मेल से भी राहत मिलेगी, तो धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज धूप निकली हुई है और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया हूँ, तो फ्रेश वगैरह होने के बाद जैकी को वॉक कराने के बाद ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज काफी ज्यादा सही मौसम है तो सही लग रहा है। बढ़िया मौसम हो रखा है। बट गाइज, धूप तो निकली है लेकिन कितनी देर के लिए ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली में अलर्ट बताया हुआ है। आज स्कूलों की है ना छुट्टी भी, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिस भेज के छुट्टी भी दी हुई है बच्चों को, स्कूलों की, सिर्फ स्कूलों की, कि आज दिल्ली में, आज मंडे है तो आज दिल्ली में ना अलर्ट रहेगा। तो भाई आज अलर्ट भी है दिल्ली में, अब ये धूप भी है आज और बारिश का भी अलर्ट दे रखा है, छुट्टी दी हुई है, देखते हैं वेदर का क्या सीन रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत मस्त धूप हो रखी है। सो गाइज, अभी मैं जाके वॉक कराने निकला हूँ और ये देखो छोटा सा चुन्नू पता नहीं कहाँ से आ गया, कहाँ घूम रहा है। चल आए, परेशान मत करो सर, किसी माँ भी आसपास ही होगी। कहाँ से आ गया बेबी, बेबी बॉय। थोड़ी देर में आ जाएगी इसकी माँ, यहीं कहीं होगी आसपास। तो गाइस निकलते हैं अब, और आज का ब्लॉग अपने यहाँ से शुरू हो रहा है क्योंकि भाई मेरा जो दोस्त हुआ है वो भाई गाड़ी में रह गया था, पापा से चेंज करवाने गया था। सो गाइस, बाइक लगा दी है और भीड़ हो रखी है आज काफ़ी ज़्यादा, तो चलते हैं। सो गाइज, अब निकल रहे हैं जिम से और टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं, निकलते हैं भाई। ठीक है, कैमरा हेलमेट का, बाइक की वीडियो बनाने के लिए। हाँ, ये इसके लिए, हाँ ये बन रही है ना। हाँ बाकी आपने अभी क्लिप्स देखी होंगी जिम से पहले और आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि हुआ क्या मैं बताता हूँ भाई। मैं सुबह गाड़ी लेके गया पापा की और उसमें गोप्रो लेके गया था अपने साथ कि वीडियो रेंडर हो जाएगी, फ़ोन में वीडियो ले लूँगा, मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा और एडिटिंग कर लूँगा ब्लॉग की। अब मैं कैमरा ले तो गया लेकिन मैं भूल गया, और फिर शाम हो गई तो पापा निकल रहे थे ड्यूटी के लिए और गाड़ी में ही कैमरा रह गया। फिर पापा का फ़ोन आया कि तेरा कैमरा तो मेरे पास है, वीडियो कैसे बनाएगा, हेलमेट पे क्या लगाया हुआ है। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी मैं जिम के लिए ही निकल रहा हूँ, आप मिल जाना। फिर पापा कह रहे मैं तो दीनपुर आ गया, फिर मैंने रोका पापा को, पापा रुक गए,
दीनपुर पहुंचे, हेलमेट मैंने सेट किया पापा से लेके, लेकिन मैं अपने माइक की केबल तो लगाने ही भूल गया, प्लग लगाना भूल गया माइक का, जिससे कुछ भी साउंड नहीं आ पाई। तो मैं थोड़ी बहुत ही क्लिप डालूंगा, बाकी सारी तो काटनी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी आपको, पंगा हो गया फिर। तो अब तो मैंने अच्छे से अटैच कर रखी है, बस अब कोई सीन ना हो जाए कि भूल गया मैं। फिलहाल 9 बज गए हैं भाई, रनिंग के लिए भी जाना है अभी तो, इसलिए आजकल मैं थोड़ा लेट उठ रहा हूँ सुबह, सोते सोते बहुत टाइम हो जाता है। अब मैं घर जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद जैकी को वॉक करा के रनिंग पे निकलना है, दूसरा वर्कआउट करने। भाई बहुत पानी पी लिया तो जिम में, वॉशरूम जाना है, भागना पड़ेगा वॉशरूम की तरफ घर पहुंचते ही। लेकिन जितना अलर्ट बताया हुआ था दिल्ली में बच्चों की छुट्टी कर दी ये वो, तो ऐसी तो भयंकर बारिश नहीं हुई आज। मे भी जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, उस वजह से आज स्कूल की छुट्टी करी हो बच्चों की। वैसे आज इतनी बारिश नहीं हुई, हल्की हुई थी काफ़ी ज़्यादा, कल परसों हुई थी भयंकर बारिश भाई। जो बंदा रात को पहली बार आता होगा ना इस रोड पे, उसको तो लगता होगा भाई साहब कहाँ गए हम, अंधेरी सुनसान सड़क, उस पे भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह या लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई है, तो अंधेरा ही रहता है। जाना है रनिंग के लिए, सो भाई पहुंच गए हैं घर। ये आ गया, ये आ गया भाई मोती सेठ। सो गाइस जिम से आ गए थे और अभी थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया है, क्योंकि सेकंड वर्कआउट और फर्स्ट वर्कआउट के बीच में थोड़ा गैप तो एटलीस्ट मैं दे पाऊं, क्योंकि मेरा स्केड्यूल आज का तो बहुत ज्यादा ऐसे ही हो गया, क्योंकि क्या बताऊँ यार बारिश हो रही है, सुबह जिम जा नहीं पाता, पूरे दिन बारिश रहती है, शाम को जिम जाता हूँ फिर दूसरा वर्कआउट भी करना होता है। अभी मैं आया था जिम से, 1.5 घंटा मैंने रेस्ट कर लिया है, फिलहाल टाइम हो रहा है 10:15, तो मैं साइकिल लेके निकल रहा हूँ दूसरे वर्कआउट के लिए। आज रनिंग नहीं कर रहा क्योंकि आज मैंने लेग्स का वर्कआउट किया है जिम में, तो रनिंग हो नहीं पा रही ढंग से, मैंने कोशिश करी थोड़ी बहुत चल के देख के तो हो नहीं पा रहा, तो मैं सेकेंड वर्कआउट में आज करने वाला हूँ साइकिलिंग। और लेग्स का वर्कआउट अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ वर्कआउट होता है, मैंने लेग्स प्लस शोल्डर के दो बॉडी पार्ट का वर्कआउट किया है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। बाकी जैकी की अभी इवनिंग वॉक रहती है और जैका बार बार आ रहा है मेरे पास, फिर चलेंगे वॉक पे, ठीक है, थोड़ा सा तब तक रेस्ट कर ले और घर को गंदा मत करियो बच्ची, ठीक है, आ रहा हूँ मैं। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, हद से ज़्यादा रात हो चुकी है, 10:30 का टाइम हो रहा है, तो मेन रोड पे तो आ गए हैं, लेकिन आज तो कहीं की भी लाइटें नहीं जल रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। सो गाइस पीछे तो नहीं जल रही थी लाइट, लेकिन यहाँ से लाइट्स है तो ये काफ़ी सही सीन है, लाइट्स ऑन है सारी तो रोशनी हो गई अब, और सड़क पे दूर दूर तक मैं ही अकेला हूँ, बस एक आधे व्हीकल चल रहे हैं। सामने है झटीकरा मोड़, झटीकरा मोड़ पार हो गया है, और मैं शर्ट उतारना भूल गया घर पे, इसके नीचे टी शर्ट पहनी हुई है मैंने, तो मैं शर्ट उतारना भूल गया, लेकिन अपर बॉडी का कोई काम नहीं है, लोअर बॉडी का ही काम है, तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है मुझे बेसिकली, पर थक गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा। फटाफट ख़त्म करते हैं वर्कआउट, और जितनी दूर मैं घर से जा रहा हूँ वापस भी जाना मेरे को घर पे, ये याद रखना है मुझे, कभी एक्साइटमेंट में आगे भाग जाऊँ ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे दुकान खुली मिल गई थी, तो मैंने अपने लिए पीनट्स और काजू लिए, और यहाँ पे तो पीछे अब यहाँ से शुरू होता है कि लोग नहीं दिखते,
लेकिन पीछे इतने होटल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं ना पीछे, तो भाई सही भीड़ थी, लोग जाग रहे हैं। लेकिन इधर से आगे चलते चलते सुनसान हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि गांव का एरिया जाता है ना, सब जल्दी सोते हैं। लेकिन इससे उधर उधर नजफगढ़ की साइड लोग अभी भी जाग रहे हैं, और ये पेट्रोल पंप खुला है अभी भी। सो भाई अब आ गए हैं गांव में, और बस पहुंचने वाले हैं घर। इतनी सारी गायें कहां से आ गई भाई? साइकिल हो या बाइक, कुत्ते साले कुत्ते ही होते हैं, कम अकल। घर आ गए हैं अब, सांस ले लूँ मैं ठीक से। साइकिल भी अंदर करनी है, और अभी जैकी को भी वॉक पे लेके जाना है। हालत पैर कांप रहे हैं मेरे अब। चले घूमने, ये तैयार है भाई बिल्कुल, चले। सो गाइस, मैंने जैकी को खुला छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, ये भी थोड़ी मौज ले लेगा। बाकी अंधेरा हो रखा है। बाकी अभी मैंने क्लिप्स चेक करी भाई, मेरे बाल ख़राब हो रखे हैं साइकिल चला चला के। वॉक करते करते मैं क्लिप्स देख रहा था क्या बनी है साइकिल पे। सो गाइज, अब आ चुके हैं घर, तो फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और क्या बताऊँ, इन्हें तो आप छोड़ो फिलहाल। अगर आपको पसंद आया तो यार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बाकी लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना इस व्लॉग को। मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।